नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर से एक लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखा दें, उसी के साथ साथ पूरा नॉलेज क्या था और ट्रेड लेने के पीछे रीजन ये सब एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी देख पा रहे हो आप MTM में फिलहाल 100-200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे जैसे वीडियो आगे जाता रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देख सकते हो अभी ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ट्रेड लेने के लिए आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, कैसे मार्केट आपके मन के साथ बिहेव करता है और आपको क्या चीजें कौन सी चीजें हैं जो ट्रेड लेते समय ध्यान में रखना चाहिए, और ट्रेड लेने से पहले ही आपका जो भी स्टॉप लॉस है टारगेट है कैलकुलेट कीजिएगा। ट्रेड लेने के बाद अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वो सारी चीजें आज बताऊंगा मैं आपको। देख सकते हो अभी 1500 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 1600-1700 के आसपास। 2000 तक प्रॉफिट दिखाएगा तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि एज पर मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से उतना ही मेरा हिसाब है, ठीक है। तो देख सकते हो अभी 1500-1600 के आसपास चल रहा है प्रॉफिट। जैसे ही मैं अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा आपको दिखा दूंगा आपको और आपको पता भी चलेगा। देखिए मैंने आपका आज का प्रॉफिट बुक कर लिया 1750। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ओके। देख सकते हो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो लगभग 1750 के आसपास है, ठीक है। 2000 के ऊपर दिखा रहा था लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के कारण ये 1800 तक का प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक क्या था और क्या चीजें कौन सी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चार्ट के ऊपर लेके जाते तो देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूँ। ये स्पॉट का चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी देख लीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हुआ का टाइम है, अभी 12:17 हो चुके हैं और आज का डेट भी यहाँ पे आ जाएगा। आज का डेट है लगभग मतलब 17 अगस्त है आज, ठीक है। तो मैं चीज़ें क्या थी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो देख सकते हो मार्केट कल मतलब लास्ट वीक में शुक्रवार में जहाँ से गिरा था वो लेवल कौन सा था, 22,000 का, ठीक है। लेकिन आज ओपन कहाँ पे हुआ, देखिए 21,900 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गया। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट को उसके पिछले लेवल्स याद रहते हैं, तो लास्ट टाइम जहाँ से गिरा था एग्जैक्टली वहाँ से ही नीचे गिर गया, और जहाँ से ऊपर गया था लास्ट टाइम उसी लेवल से ये रिट्रेस कर रहा है, ओके। तो ये जो पूरा जोन है ये कंसोलिडेशन जोन है, जहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ट्रेड लेने से हमें कौन सी चीज़ें हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी मूवमेंट है वो सबसे पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम में शुरू होती है और उसका इम्पैक्ट बिग टाइम फ्रेम में थोड़े लेट होता है, तो कन्वीनियंट रहेगा आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना सीख लोगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार आपको मूवमेंट कहाँ पे जा रही है देखने के लिए बहुत अच्छा होता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देख सकते हो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया है और यहाँ पे देख सकते हो ये 915 ओपन हुआ था लगभग 21,900 के आसपास, और वहां से ही ये नीचे गिर गया, एक बार नीचे आ गया और एक रिट्रेसमेंट और फिर से नीचे आ गया और एक रिट्रेसमेंट और फिर से नीचे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुई दोस्तों, देख लो मैं बताता हूँ आपको। ये टाइमिंग था लगभग 9:45 के आसपास, तो 9:45 से एक लेवल था जो पिछला लेवल था, मैंने बताया था आपको पिछला लेवल था, उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और जहां से अपसाइड मूवमेंट हुई थी वहां से फिर से एक बार अपसाइड मूवमेंट की, उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ गया सपोर्ट के आसपास अपने। और यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम का, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से लास्ट टाइम का जहाँ पे सपोर्ट था वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आ गया, और सपोर्ट कहाँ पे लिया है देख लीजिए, लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। तो ये क्या चीज है मैं आपको कितनी बार बताया हूँ कि यही होता है कि मार्केट हमेशा अपने कुछ पुराने लेवल्स याद रखता है, उसके बाद ऊपर गया और नीचे ऊपर। तो अगर आपको याद होता कि पिछली बार मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ था तो आज आपको ये बाइंग ट्रेड मिल जाता और स्टॉप लॉस भी छोटा होता, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि हमेशा एनालिसिस कीजिए, आपका स्टॉप लॉस टारगेट कैलकुलेट कीजिए और उसी के हिसाब से ट्रेड लीजिए। मान लीजिए आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम 1000 रुपए का प्रॉफिट भी रखिए, ऐसा नहीं कि 400-500 रुपए लेके निकल गए, उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अभी भी लाइव चल रहा है, उसके बाद देखिए पूरा एक ही जोन में लटका हुआ है, ठीक है। जो पिछले लेवल्स थे उसके 945 से उसी के जोन में। अगर मैं
ये भी बता दो आपको, अगर मार्केट को कहाँ पे जाना है ऊपर या नीचे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक तो फास्टली नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो ये चीजें होती है, आपको आनी चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो और 5 मिनट का भी कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट में आपको ट्रेंड पता चलेगा और 5 मिनट में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।